This video is sponsored by KW Delhi 6. Hello everyone, I am Sonal Tiwari. I am a self-taught artist. Thank you so much. आपने मेरे पहले वाले वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप रामायण महाभारत के टाइम से सुनते आ रहे होंगे मार्वल कार्विंग, गॉड गॉडेसेस के आइडल्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपके माइंड में ये हमेशा क्वेश्चन रहता होगा। ये सब चीजें बनती हैं कार्विंग से, हैंड वर्क से, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क के बाद बनती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के बाद बना है। एक हम छोटे से आइडल से स्टार्ट करते हैं। आप जब गणेशा को अपने घर में लेके आते हैं गणेश चतुर्थी पर, तो जितने प्यार और सम्मान के साथ आप उनको घर में लाते हैं, क्या उतने ही प्यार और सम्मान के साथ आप उनको विदा करते हैं? आप गणेशा को विदा करते टाइम उनको कहीं भी ट्री के नीचे रख देते हैं या कहीं रिवर में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी आइडल्स कभी भी वाटर में डिस्पोज नहीं होती। तो हमें इस बार यूज करने हैं इको फ्रेंडली गणेशा। आप गणेशा के टमी वाले पार्ट में थोड़े से सीड्स भी रख सकते हैं, जिससे गणेशा को जब आप घर में ही किसी वास में डिस्पोज करेंगे तो उसमें से एक प्यारा सा प्लांट बनके गणेशा के रूप में आपके साथ हमेशा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस के लिए मैं ले रही हूँ MDF कटआउट राउंड सर्कल का। आप कोई भी बेस ले सकते हैं, नीचे से थोड़ा सा हार्ड बेस हो। क्ले हम यूज करेंगे साधु मिट्टी, आप इसे साधु क्ले भी बोल सकते हैं। ये पॉटरी शॉप्स पे इजीली अवेलेबल है। इसका एक फ्लैट बेस हमें बनाना है। आप उसको धीरे धीरे पुश करते जाएंगे तो वो इवनली पूरे पे स्प्रेड हो जाता है। थोड़ा सा आप वाटर भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड बेस भी थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में बना लेंगे। सेकेंड बेस फर्स्ट बेस से थोड़ा सा थिक होगा। जहां भी क्रैक्स आए आप थोड़ा सा वाटर यूज करके उन क्रैक्स को हटा सकते हैं। कोई भी आइडल हम जब बनाते हैं तो हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड देन स्टेप बाय स्टेप आइडल बनाते हैं। पहले मैं लेग से स्टार्ट करूंगी। आपको एक टीयर ड्रॉप शेप बनाना है। थोड़ी सी क्ले लेके उसको आप ऐसे रोल करेंगे तो इजीली टीयर ड्रॉप शेप बन जाता है। यहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा वाटर, आप कोई भी नाइफ कुछ भी टेक्सचर के लिए ले सकते हैं। नीचे हम बनाने वाले हैं धोती का पार्ट। सेकेंड भी आपको टीयर ड्रॉप शेप बनानी है और उसे आगे से थोड़ा सा टर्न करना है। दोनों लेग्स को प्लेस कर देंगे। फिर हमें स्ट्रक्चर का मिड पार्ट बनाना है। तो मैंने क्ले को रोल किया। आप इसको टूथपिक की हेल्प से फिक्स कर सकते हैं, लाइक दिस। छोटे छोटे से अब हम फीट बनाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी क्ले लेनी है, उसको फिंगर्स एंड थंब की हेल्प से फ्लैट करना है। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? Please visit our site and grab the scheme benefits. Offer for limited period. Go and read our project highlights. मैं थोड़ा सा नीचे भी टेक्सचर दे रही हूँ, आप किसी से भी टेक्सचर दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस एंड पेंसिल, एनी सर्कुलर थिंग लाइक टूथपिक, एनीथिंग यू कैन यूज. क्ले को रोल करके हम हैंड बनाएंगे. हैंड को शेप देने के बाद अभी इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो मैं दोबारा से शेप दूंगी. इसको यहाँ से प्रेस करना है तो हैंड बन जाएंगे. हैंड्स को प्रॉपर शेप देने के बाद आपको इसको टर्न करना है थोड़ा सा. हेड के लिए आपको एक राउंड शेप बनाना है एंड उस पे आगे ट्रंक को प्लेस करना है. दोनों थंब की हेल्प से आपको जहां पे आईज होती हैं वहां पे धीरे से आपको प्रेस करना है दिस वे. ईयर्स के लिए आपको थोड़ा सा अपनी फिंगर से प्रेस करके ऐसा शेप बनाना है। बड़े नहीं बना सकते तो आप कॉर्नफ्लोर में 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर ऐड करके उससे बना सकते हैं। आपको लेग्स बिल्कुल सिंपल वे में बनाने हैं। मिड पार्ट के लिए एक राउंड शेप बना के प्लेस करना है। हेड को बिल्कुल सिंपल वे में बनाना है एंड 2 हैंड्स अटैच करने हैं। And your cute Ganesha is ready. कुछ ही मिनट्स में हमने इतने प्यारे से क्यूट से गणेशा बना लिए। तो आपको भी बनाने हैं इको फ्रेंडली गणेशा और आप अपने क्रिएटिव आइडियाज के साथ उनको बना सकते हैं। उनमें बीड्स भी लगा सकते हैं, उनको किसी भी चीज से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप बनाइए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे क्रिएटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For further details, contact us at 8010908888. Thank you.